क्यों पीएम को अपशब्द कहने पर हिरासत में लिए गए गोपाल इटालिया पर भड़क गई स्मृति ईरानी और क्या है इससे जुड़ी सारी डिटेल्स जानेंगे हमारी इस वीडियो में। गोपाल इटालिया, इस नाम से गुजरात के लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, पर अब पूरा देश इनका नाम जानता है और इसके रीजन काफी डिफरेंट है। रीजन ये है कि इनकी कई वीडियोस वायरल हो गई हैं, जिसमें पीएम मोदी उनकी मां और महिलाओं को लेकर कुछ अनएक्सेप्टेबल बातें कहते नजर आए हैं। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी से गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनकी एक वीडियो बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने शेयर की थी। एक वीडियो में वो पीएम को नीच किस्म का इंसान और अपशब्द कहते नजर आए। फिर इनकी एक और वीडियो वायरल होती है, जिसमें कथाओं को शोषण का केंद्र कहते नजर आते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, इनकी एक और वीडियो सामने आती है, जिसमें पीएम मोदी की मां हीराबा का नाम नाटक के साथ जोड़ते नजर आते हैं और अब बीजेपी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस केस में गोपाल इटालिया को NCW ले जाया गया था सवाल जवाब के लिए। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद गोपाल को हिरासत में लेकर 2.5 घंटे बाद छोड़ दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि NCW में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। NCW की रेखा शर्मा ने कहा है कि गोपाल को सफाई देने का काफी टाइम दिया गया था, पर उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, पर कुछ देर बाद वो मीडिया से हिंदी में बात करते नजर आए। उनकी रिटन और वर्बल स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही, जहां एक तरफ तो उन्होंने वीडियो में होने से ही इनकार कर दिया। अब इस मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गोपाल के सपोर्ट में उतरे हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि गोपाल की गिरफ्तारी से पूरा पटेल समाज रोष में है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी खेमे के कई नेताओं ने विरोध में ट्वीट किए, जहां स्मृति ईरानी के ट्वीट से उनका ओपिनियन साफ नजर आया। उन्होंने CM केजरीवाल का नाम लेकर कहा कि आपकी ब्लेसिंग्स के साथ गोपाल इटालिया हीराबा को अपशब्द कह रहा है, गुजराती काफी नाराज हैं और आपको आका जाएगा, जिसके बाद आपकी पार्टी चुनावी रूप से गुजरात में खत्म हो जाएगी और अब जनता न्याय देगी। तो वहीं अमित मालवीय ने गोपाल को सीरियल ऑफेंडर बताया और कई लोगों ने हिंदू धर्म, महिलाओं, बुजुर्गों और पीएम के अपमान करने वाले नेताओं को पदों से हटाने की मांग की। अब आपके हिसाब से क्या गोपाल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।